किसी वफा वाले से पूछो कि बेवफाई क्या होती है, तो वो पता क्या कहेगा? ये उस चीज का नाम है जो वफा से हमेशा पीछे रहती है। हाय, समझने का नजरिया है जनाब, समझने का नजरिया है। आपकी सोच ही उस माने को बदल देती है कि बेवफाई वो चीज है जो हमेशा वफा से पीछे रहती है और वफा हमेशा आगे। फर्क यह है कि हम पीछे रुक जाते हैं। हाय हाय, सुभान अल्लाह यार, काश किसी को समझ आ जाए और वो जिंदगी से प्यार करना लग जाए और हर नफरत को चूम के बोले कि शुक्रिया यार, हमारे दर पे तो आए हो, अरे हमें मेहमान नवाजी का तो मौका दिया, हम कब से खुद को तराजू में तोल रहे थे, अरे तुमने तुमने आके हमें ये बता दिया कि मुझ में कितनी कमियां और बाकी हैं और मुझे कितना और ज्यादा सीखना है। आए, काश हमारा नजरिया चेंज हो जाता, काश वो पहचान तब्दील हो जाती। आइए बेवफाई को पीछे छोड़ के वफा को अपनाते हैं। ना जाने कितने वो लोग हैं जो इस वक्त इस ट्रांसमिशन और इस शो से महरूम होंगे। काश कि मैं ये लव्स, ये अंदाज, ये सारी की सारी बातें मैं पूरे पाकिस्तान तक पहुंचा सकता, पर मसला पता है क्या, आप लोग मेरे साथ वैसे नहीं खड़े, वरना मैं हर घर घर में बज रहा होता और ना जाने कितने घरों में से इस टाइम टेंशनें गुबार बन के निकल रही होती। हाय, ना जाने कितनों के दिल खिल रहे होते आज, ना जाने कितनों की रातें आज सुकून में होती। पर चलें, गम नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है इंशाल्लाह आपको एक दिन मेरी बात जरूर समझ आएगी और हमारे जाने के बाद हमारी कदर हो तो ऐसी कदर कभी क्या करना जनाब, पहले कर लीजिएगा।